नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने जांच दर बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। IGIMS के डॉक्टर ने मरीज के ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल के शेप का फंगस। बिहार में बालू और गिट्टी माफियाओं की खैर नहीं, अब तटबंध टूटने पर जवाबदेही तय कर अफसरों पर होगी कार्रवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। समय से पहले बिहार पहुंचा मॉनसून। बिहार में मॉनसून की एंट्री समय से पहले हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मॉनसून की रेखा दरभंगा शहर तक पहुंच गई है। संभावना जताई जा रही है कि पूरे राज्य में मॉनसून की रेखा देखने को जल्द ही मिलेगी और अगले 72 घंटे तक झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। राज्यों में सामान्य तौर पर मॉनसून आने की 13 जून थी, वहीं राजधानी पटना में मॉनसून के सामान्य तारीख 16 जून है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पटना में एक दिन पहले 15 जून तक मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इससे पहले 13 या 14 जून को बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें, मॉनसून की एंट्री से पहले ही बिहार के अलग अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार से वैष्णो देवी के लिए शुरू हो रही है 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस। बिहार से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। COVID-19 के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में बिहार ने माता वैष्णो देवी जाने वाली एक साप्ताहिक ट्रेन को फिर से 17 जून और दूसरी को 27 जून से शुरू करने का फैसला सुनाया है। बरौनी कटिहार रेल लाइन पर 2 और साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का फैसला किया गया है। ट्रेन संख्या 05621 प्रत्येक गुरुवार को 17 जून से कामाख्या से खुलेगी। यह नवगछिया, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर से होते हुए आनंद विहार स्टेशन तक जाएगी। फिर ट्रेन संख्या 05622 आनंद विहार से प्रत्येक शुक्रवार को वापस लौटेगी, जो हाजीपुर से होते हुए नवगछिया और कामाख्या स्टेशन तक जाएगी। नवगछिया स्टेशन पर दोनों ट्रेनों का ठहराव मात्र 2-2 मिनट के लिए होगा। अब तटबंध टूटने पर जवाबदेही तय कर अफसरों पर होगी कार्रवाई। संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तैयारियों में जुटी है। यही कारण है कि लगातार निरोधात्मक कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। इसी बीच जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बीते दिन स्थानीय निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान संबंधित सभी विभाग के अधिकारी और अभियंता सक्रिय रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर बांध टूटा तो जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। इसके बाद मंत्री ने साथ ही साथ नवनिर्मित बांध का निरीक्षण किया और कहा कि पूर्वी तटबंध का निर्माण होने से 56 गांव के लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार जल्द तटबंध का उद्घाटन करेंगे और तटबंध का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश है। लोगों की साल पुरानी 5 किलोमीटर तटबंध निर्माण की मांग पूरी होती नजर आ रही है। बिहार में बालू और गिट्टी माफियाओं की अब खैर नहीं। बालू और गिट्टी माफियाओं की शिकायत लगातार सरकार के पास आती रही है। इससे को देखते हुए माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी सरकार ने कर ली है, जिसके तहत साफ तौर पर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से अवैध कारोबार करने वाले और इससे अवैध धन जमा करने वालों की संपत्ति को सरकार अब जब्त करेगी। इसको लेकर सरकार जल्द ही नया नियम बनाने वाली है। इतना ही नहीं, अब अवैध बालू खनन और इसकी ढुलाई में पकड़े गए मशीन या वाहनों को छुड़वाने के लिए जुर्माने की राशि का निर्धारण भी वाहन के मूल्य के अनुसार तय किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मई तक राज्य भर में अवैध बालू खनन मामले में 295 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 403 FIR दर्ज किए गए हैं और 2575 छापेमारी के दौरान 4351 वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही इस मामले में 11,76,85,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। भागलपुर से नई दिल्ली के लिए फिर से चलेगी गरीब रथ और न्यू फरक्का एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भागलपुर से नई दिल्ली के लिए गरीब रथ और न्यू फरक्का एक्सप्रेस के परिचालन को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार COVID-19 की रफ्तार में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि फिर से ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। अगले सप्ताह से दोनों ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। दोनों ट्रेनों का अभयपुर स्टेशन से ठहराव हटा दिया गया है, जबकि सुल्तानगंज स्टेशन पर न्यू फरक्का का स्टॉपेज दिया गया है। दोनों ट्रेनों में टिकट की बुकिंग बीते दिन से शुरू हो गई है, जिसके तहत गरीब रथ एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से 14 जून और भागलपुर से 15 जून को चलेगी। वहीं न्यू फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली से 13 जून और मालदा टाउन से 15 जून से शुरू होगा। ANM की बहाली के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। ANM की बहाली के लिए हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। यह नजारा बिहार के कैमूर जिले का था। कैमूर जिले में ANM की बहाली के लिए बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग सदर अस्पताल भभुआ पहुंचकर सुबह से ही धक्का मुक्की करते देखे गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ANM की बहाली मात्र 3 महीने के लिए COVID-19 के माहौल में लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए की जा रही है, लेकिन लोगों को COVID-19 का नियम पढ़ाने वाले सदर अस्पताल भभुआ में ही COVID-19 नियमों को ताक पर रखकर COVID-19 की धज्जियां उड़ाते देखे गए, जिसके बाद
जिला स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलकर सामने आ गई है। लोगों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के दोषी अधिकारियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। पटना वुमेन्स कॉलेज में 19 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले सभी छात्राओं के लिए अहम सूचना। नए सेशन की शुरुआत पटना वुमेन्स कॉलेज में कराने की तैयारी हो गई है। यही कारण है कि 19 जुलाई से ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इतना ही नहीं, एंट्रेंस टेस्ट को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें समय, तारीख और सवालों की संख्या को शामिल किया गया। जारी किए गए नोटिस में 16 जुलाई से मॉक टेस्ट, 19 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सभी यूजी और एमसीए विषय के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। जानकारों की माने तो यह परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे। संभावित टाइमिंग की बात करें तो फिलहाल 11:30 से 12:30 बजे की बताई गई है। इसके साथ ही पटना वुमेन्स कॉलेज के उन छात्राओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने अपने घर के मुख्य रूप से कमाने वाले सदस्य को कोविड-19 संक्रमण में खो दिया है। नीतीश कुमार ने जांच दर बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कोविड-19 के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जांच दर बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ढीलापन और प्रतिबंधों में ढील के साथ लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। संक्रमण के नए प्रकोप को रोकने के लिए जांच में तेजी और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 की परिस्थिति में सुधार आने के बाद 9 जून से 1 महीने से अधिक समय से चल रहा है लॉकडाउन को बिहार में हटाने का फैसला लिया गया था। फिलहाल मामले 500 के आसपास सामने आ रहे हैं। IGIMS के डॉक्टर ने मरीज के ब्रेन से निकाला क्रिकेट बॉल के शेप का फंगस। IGIMS के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया है, जिसके तहत डॉक्टरों ने 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज की आंख तो बचा ली, बल्कि उसके दिमाग में क्रिकेट के बॉल के आकार का फंगस भी निकालकर बाहर फेंक दिया। जम्मू के 60 वर्षीय मरीज अनिल कुमार को पिछले कई दिनों से अचानक चक्कर आने और बेहोशी की शिकायत हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे IGIMS में रेफर किया, जहाँ से पता चला कि वो ब्लॉक संगत से पीड़ित है। मरीज हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुआ था, फंगस उसके दिमाग तक पहुंच गया था। IGIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग के वरीय सर्जन डॉक्टर ब्रजेश के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने दिमाग के फंगस को निकाला। इस दौरान उसकी आंख को बचा लिया गया। BAU छात्रों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीरीज की होगी शुरुआत। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कृषि उद्यान स्नातक छात्रों को स्वनिर्भर बनाने और उनके प्रायोगिक ज्ञान को समृद्ध करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीरीज की शुरुआत कृषि उद्यमिता के माध्यम से सशक्तिकरण विषय से की गई है। सहायता महानिदेशक डॉक्टर PS पांडे ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि कृषि और संबंधी विषयों के स्नातक विद्यार्थी को रोजगार उन्मुख एवं उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए कृषि विज्ञान की गहन जानकारी होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वनिर्भर बनाने के लिए उनके डिग्री प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया, जिसके तहत सुशील मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारत विभाजन के गुनाहगार कांग्रेस पार्टी अब एंटी नेशनल क्लब हाउस बन गई है। कांग्रेस पाकिस्तान को थाली में परोसकर कश्मीर गिफ्ट कर देना चाहती है। कांग्रेस नेताओं के बयान से पाकिस्तान को ताकत मिलती है, जिस दिग्विजय सिंह ने बटाला हाउस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले आतंकवादियों को शहीद करार दिया था और पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। पुलवामा में हुए वाक्य को दुर्घटना बताकर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को राजनीतिक कर दिया था। अब उनका मकसद जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल करने का है, जो कि बेहद ही निंदनीय है। ओसामा से बीते दिन मिलने पहुंचे OAC के विधायक। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद उनके बेटे ओसामा जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। वहीं सभी दल ओसामा को अपने साथ शामिल करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन OAC की पार्टी उनसे मुलाकात करने सिवान पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार सांसद असदुद्दीन OAC की पार्टी AIMIM के 5 विधायक ने शहर के नया किला स्थित आवास पर शहाबुद्दीन के स्वजनों से मुलाकात की। यह सभी विधायक तरवारा होते हुए बड़हरिया पहुंचे थे, जहां पर शहाबुद्दीन के समर्थकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। विधायकों ने करीब 2 घंटे तक स्वजनों से बातचीत की, कई पहलुओं पर बात हुई और हम और विधायक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन से न केवल राजद बल्कि दलितों को भी काफी नुकसान हुआ है। भारत में थम रही है कोरोना की रफ्तार। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 80,834 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 3,303 लोगों की मौत भी कोरोना से हो गई है। यह जानकारी रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। भारत में इस साल 2 अप्रैल के बाद 24 घंटे में कोरोना के ये सबसे कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,32,062 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। ताजा अपडेट के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 2,94,39,989 पर पहुंच गई है। इसमें 2,80,43,446 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या अब बढ़कर 3,70,384 पर पहुंच गई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के मामले में आ रही गिरावट को देखते हुए दोबारा से ट्रेनों का परिचालन को शुरू करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।